पर जब जो प्रारब्ध आ रहा है वो उसके आने का सबसे अनुकूल समय है, उसको उसी समय भोग लेना चाहिए। ठीक, मेरे प्रभु मुझे पावन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब की कृपा इस रूप में आई है। देखिए, यही है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये सब नाम भगवान करते हैं, नाम भगवान हमारे श्रेय का, मंगल का विकास कर रहे हैं। माने नाम भगवान वो हमारे जीवन में करते जाएंगे जिससे हम राधा माधव के और निकट होते चले जाएं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। और नाम भगवान क्या करते हैं, विद्या वधु जीवनम। ये नाम भगवान विद्या रूपी वधु के जीवन है। माने जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, वो तो वधु हैं, स्त्री हैं, और नाम भगवान उन समस्त योग्यता रूपी वधु के पति हैं। मतलब क्या हुआ, अर्थ हुआ कि जो विद्या भगवत सेवा में काम नहीं आ रही वो विधवा है। जो विद्या, जो योग्यता भगवत सेवा में काम नहीं आ रही वो विधवा है, वही योग्यता सफल है। नाच किसी को बहुत अच्छा आता हो, सफल तभी है जब राधा माधव के आगे नाचे। किसी को गाना बहुत सुंदर आता हो, पर सफल तभी है जब इनका यश गावे। किसी को वादन बहुत अच्छा आता हो, सफल यही है जब इनको सुनावे। किसी को सिलाई कढ़ाई बहुत सुंदर आती हो, सफल तभी है जब इनके साज तैयार करे। रसोई बनानी बहुत बढ़िया आती हो, सफल तभी है जब प्रियालाल को भोग धरावे। तो जो विद्या इनसे जुड़ी हुई है वो तो वधु है, सुहागिन है, और जो विद्या इनसे नहीं जुड़ी हुई वो विधवा है। क्योंकि नाम भगवान विद्या रूपी वधु के जीवन है, विद्या वधु जीवनम। और फिर महाप्रभु कहते हैं आनंदाम्बुदि वर्धनम। जब ये चार काम हो जाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम और विद्यावधु जीवनम, जब ये चार काम हो जाते हैं तब क्या होता है, बोले आनंदाम्बुदि वर्धनम। तब नाम भगवान इस चित्त को आनंद के सागर के भीतर निमग्न कर देते हैं। माने नाम के भीतर इतना आनंद, इतना स्वाद, इतना सुख मिलता है कि बस चित्त डूब जाता है। एक मुस्लिम फकीर हुए, उनका नाम फरीद साहब था, बड़े अच्छे महात्मा हुए वो, सूफी संत थे फरीद साहब। कहते हैं बचपन में वो नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी माँ इस चीज को लेके बड़ी परेशान थी कि फरीद नमाज नहीं पढ़ता। किसी अपने धर्म के उस किसी साधु के पास गई और कहा, देखिए महाराज ये बच्चा तो खुदा को याद ही नहीं करता। उन्होंने कहा, अच्छा तो बताओ इस बच्चे को अच्छा क्या लगता है। बोले इसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, शक्कर बहुत अच्छी लगती है। तो उन साधु ने कहा, देखो अब इसको ये कहा करो कि तू नमाज पढ़ा कर, तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे खुदा शक्कर भेजेंगे, शक्कर देंगे तुझे जब तू नमाज पढ़ेगा। अब उन्होंने ऐसे ही कहा, और उन्होंने कहा फिर ये जब नमाज पढ़े तो चुपचाप तुम इसके पास शक्कर रखाया करना। बोले ठीक है। अब उनकी मैया ने उनको कहा, बेटा नमाज पढ़ो। वो कहते क्या मिलेगा। बोले बेटा अल्लाह तुझे शक्कर देगा। उन्होंने कहा शक्कर मिलेगी तब तो जरूर पढ़ूंगा। अब ये पढ़ते आँख बंद करके अपने भगवान को याद करते, उनकी माँ चुपके से जाती, कटोरी में शक्कर रखे आती। अब वो आँख खोल के देख शक्कर रखी तो बड़े खुश होते, वो खा लेते। अब धीरे धीरे एक समय, दो समय, तीन समय, वो पांचों समय की नमाज पढ़ने लग गए। धीरे धीरे उनकी मैया शक्कर रख देती। कहते हैं एक दिन उनकी माँ शक्कर रखना भूल गई, तब तक आँख खुल गई थी फरीद साहब की। अब उनको लगा कि अब शक्कर रखने गई तो समझ जाएगा, तो माँ रखती थी शक्कर, भगवान तो नहीं भेजते थे, तो अब रख नहीं पाए उस दिन। तब वो आई और कहा, बेटा फरीद तुम नमाज पढ़ना मत छोड़ना, वो आज अल्लाह भूल गए होंगे शक्कर देना, बाकी कल जरूर देंगे शक्कर। तब फरीद साहब ने कहा, माँ अब शक्कर की जरूरत नहीं है। बोले क्यों। बोले अब नमाज पढ़ के मुँह मीठा हो जाता है मेरा, अब उस खुदा को, उस मालिक को याद करके ही मेरा मुँह मीठा हो जाता है, अब मुझे शक्कर खाने की जरूरत नहीं है। यही है आनंदाम्बुदि वर्धनम।
फिर नाम भगवान के साथ साथ चित्त के भीतर उस आनंद का वर्धन होता है। अभी लीला गान की बात नहीं हो रही, अभी नाम ही की बात हो रही है। नाम कीर्तन में अद्भुत सुख, वही कृष्ण नाम। नित्यानंद प्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी लेते हैं, पछाड़ खाकर गिरते हैं, घंटों घंटों मूर्छि जो चाहते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ कहना चाहते हैं, जो 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 ऐसा कहते मूर्छित हो जाते हैं। हमारे आचार्य लोग राधा नाम लेते हैं, सुखदेव जी रा कहते हैं, धा नहीं कह पाते, समाधि लग जाती है। इसको कहते हैं आनंदाम्बुधिवर्धनम्। नाम के साथ आनंद की अम्बुधि का सागर का वर्धन चित्त में होता है। कैसे? आनंदाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम्। प्रतिपद के साथ पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। इसलिए हमारे हित हरिवंश जी कितना सुंदर दोहा कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो नीरख यन फुटो ने, रसना कटो जो अन रटो नीरख यन फुटो ने, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस में, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस में। आनंद हो गया। कहते हैं रसना कटो जो अन रटो, मेरी जीभा कट जाए यदि राधा नाम छोड़ के ये कुछ और पुकारे, मेरे कान फूट जाएं यदि श्री जी की चर्चा छोड़ के ये कुछ और सुने, और मेरे नेत्र भी फूट जाएं यदि युगल की माधुरी को छोड़कर ये कुछ और देखें। ये कौन स्थिति है? ये स्थिति है आनंदाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम्। ऐसी बात कौन कह पाएगा? वही कह पाएगा जिसको राधा नाम के एक एक अक्षर में प्रिया जी की संपूर्ण माधुरी का स्वादन हो रहा होगा, वही तो कह पाएगा ना ये बात। आनंदाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम्। और अंत में गौर हरि कहते हैं सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। ये नाम सर्वात्म रूप से जीव का कल्याण करने वाले हैं, स्नान करा देने वाले हैं, उस प्रेम सागर में लीला सागर में निमग्न कर देने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन सदैव जय युक्त होकर विराजमान है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। तो ये नाम की कृपा है। और नाम लेना कैसे है? महाप्रभु जी ये भी बताते हैं, बोले नाम लेने की विधि क्या है? बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना और कीर्तनीय सदा हरि। नाम लेना कैसे है? देखिए कीर्तनीय सदा हरि तो चौथे स्थान पे कहा, पहले क्या कहा? तृणादपि सुनीचेन। जिसको नाम भगवान की कृपा चाहिए उसको अपने को तिनके से भी छोटा मानना पड़ेगा। अच्छा तिनका ही क्यों कहा महाप्रभु ने, कुछ और कह लेते? इसलिए कहा कि तिनका जो बयार के बस। स्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं तिनका किसको कहते हैं? तिनका उसको कहते हैं जिधर की हवा चले बस उधर ही को उड़ जाए। तो जिसका मन तिनके से भी छोटा हल्का हो गया है, माने जिधर को जुगल का रुख और सुख उधर कोई जिसका मन रूपी तिनका उड़ता है जाता है, जुगल के रुख और सुख को देख के ही जिसकी सब चेष्टाएं हैं या जिसकी सारी क्रियाएं इसी चीज को ध्यान में रख करके है कि इस क्रिया से श्री कृष्ण को सुख होएगा कि नहीं होएगा, यही तो चिंतन है, यही कर्म का अर्पण है कि हमें जो कुछ भी कर्म करना है वो श्री कृष्ण के सुख के लिए करना है, युगल के प्रीत्यर्थ करना है। यदि कोई भी कर्म
पुण्य प्राप्त करने के लिए करेंगे तो फिर बंध गए। चूंकि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है, जंजीर तो जंजीर है। कोई कैदी बहुत दिन से कारागार में बंद हो और कारागार का मालिक उसके पास जाए कि भाई तुम्हारा अब पदोन्नति करी जा रही है तुम्हारी, क्या? बोले लोहे की जंजीर तो उतारी जाएंगी, अब सोने की जंजीर पहनाई जाएंगी। तो कैदी क्या कहेगा, महाराज इसमें कौन कृपा है, जंजीर तो जंजीर, कृपा तो तब मानूंगा जब ये बेड़ियां खोल के मुझे आजाद कर दोगे। तो पाप लोहे की जंजीर तो पुण्य सोने की जंजीर। तो किसी भी कर्म के द्वारा यदि पुण्य की चाह हो गई तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक चेष्टा के द्वारा केवल भगवान का सुख और उनके प्रीति की जो कामना है, ये कामना जीव को सहज में कर्म बंधन से निवृत्त करती है। और सब कुछ करते हुए भी साधक राधा माधव की प्रेम पूंजी को संजो पाता है, इकट्ठा कर पाता है। नहीं तो सोचिए भजन तो इस संसार में करना है, कोई भाग तो सकते नहीं, और कितना भाग लो, जहां भागो वहीं संसार इकट्ठा हो जाएगा। तो पलायन का नाम भजन नहीं है, सुलझन का नाम भजन है। हमको समझ आ जाए कैसे जीना है। तो पहली शर्त तृणादपि सुनीचे न, अपने को तिनके से छोटा मानना है। माने सब मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, सब साधु हैं, अकेला मैं असाधु हूं। जितनी कमियां मेरे भीतर, जितना सुधार करना है मुझे करना है अपने भीतर, इतनी बात माने। तृणादपि सुनीचे न और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहनशील हो। पेड़ के ऊपर कोई पत्थर मारता है तो वो फल देता है, कोई उसको काटता भी है तो भी उसको ईंधन दे देता है, वृक्ष के जैसा सहनशील। अब ये बातें तो महाप्रभु की बिल्कुल आदर्श वाली हैं। अब हम लोग तिनके से छोटा तो नहीं अपने आप को मान पाएंगे, बहुतों ने माना भी है, पर हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को, और अपने को पेड़ से ज्यादा सहनशील कैसे बनाएंगे? तो इतना नहीं बन पाए, कम से कम इतना तो करें कि चित्त के भीतर जो अहंकार रूपी रावण बैठा है इसको तो बाहर निकाल दें। तिनके जितना तो छोटा नहीं हो पाए, पर कम से कम अपने अहंकार को तो कुछ नीचा कर लें। मैं ही मैं और मैं ही मैं और मैं ही मैं, कैसे कल्याण होगा? थोड़ा अपने चित्त को हल्का कर लें। हम पेड़ जितने सहनशील तो नहीं हो सकते, पर कम से कम अपनी सहन शक्ति को थोड़ा तो बढ़ाएं। इतने कि बिल्कुल इतने उतावले, ना हम पे इंद्रियों का आवेग सहा जा रहा, ना भूख का आवेग सहा जा रहा, ना नींद का आवेग, इतने उतावले हो गए, बिल्कुल कोई आवेग नहीं सहा जा रहा। भाई आवेगों को तो नियंत्रित करना होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा तो लगाम लगानी होगी। ये मन, ये शरीर एक रबड़ बैंड की तरह है, इसे जितना खींचिए खिंचता चला जाएगा उतना, और जितना छोड़ दीजिए छोटा होता चला जाएगा। अब हमको देखना होगा हमने अपने आप को कितना आलसी बना लिया है। क्या हम अपने आप को आलसी बनाते जा रहे हैं और 24 घंटे आलस में बीतते हैं? वह खाना और सोना दो ही काम रह गए हैं क्या? यदि खाना और सोना दो ही काम रह गए, अगली बार मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला, पशु बनाएंगे भगवान, वो हमसे बेहतर खाते हैं, पकाना भी नहीं पड़ता, जैसा तैसा खा लेते हैं, बढ़िया पचा लेते हैं, कोई दवा नहीं देता उनको, गर्मी सर्दी नहीं सताती, अपने आप सो लेते हैं, अगली बार मनुष्य देह नहीं मिलने वाला। तो वृक्ष जितने सहनशील तो नहीं हो सकते, पर जिसको साधना करनी है उसको अपनी सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। और सहनशीलता केवल भूख प्यास से संबंधित नहीं है, राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती, भूख प्यास से संबंधित सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता मतलब आवेगों को सहन करना। ये रास्ता कोई कायरों का रास्ता नहीं है कि संसार में फेल हो गए तो भक्ति मार्ग में लग गए, ऐसा नहीं, ये तो शूरवीरों का मार्ग है। संसार में जो व्यक्ति है उसको तो और चीजों के विघ्न को पार करना पड़ता होगा, और यहां इस मार्ग में तो काम से भी लड़ना है, क्रोध से भी लड़ना है, लोभ से भी लड़ना है, मोह से भी लड़ना है, अहंकार से भी लड़ना है। ये कायरों का रास्ता थोड़ो है, ये तो शूरवीरों का रास्ता है। इस संसार में फेल हो गया तो यहां आ जाए, ऐसा थोड़ो है, ये शूरवीरों का मार्ग है। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना होगा।
धीरे 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 सहन शक्ति को बढ़ाना माने चित्त के आवेगों को रोकना होगा। ये मन भजन थोड़ो करना चाहेगा, हम माला लेके बैठेंगे जने कहां की उड़ान भरेगा, जने कहां कहां की बात सोचेगा, जिसे को लेना नहीं देना नहीं, पता नहीं कौन कौन अंटसंट विचार माथे में आएंगे, और इनको सहन करना, अपने आप को साधना, बार बार इस मन को समझाना, मेरे मन ये प्रिया प्रियतम ही तेरे अपने, तू किनको अपना माने हुए है, तू क्यों इतनी उलझन में है, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है, तू क्यों तनाव ले रहा है। इस संसार की न तो उपलब्धियां किसी काम की हैं, न इस संसार की हानियां कोई हानियां हैं, सबसे बड़ा लाभ इनका स्मृति लाभ है, सबसे बड़ी हानि इनकी विस्मृति है। हे मेरे मन, तूने मेरे जीवन को बहुत बिगाड़ा, क्योंकि ये मनि मित्र है, ये मनि शत्रु है, ये मन शत्रुता पे उतर आए तो जीवन जन्म बिगाड़ दे। अनंत जन्मों से हमारी आपकी दुर्गति इस मन के कारण तो हुई है, कितनी कितनी बार मनुष्य शरीर मिल गए हमको, फिर भी हमारी दुर्गति होती रही, किसने करी, मन ने करी। ये मन शत्रुता पे उतर आए जीवन बर्बाद कर दे, और यदि ये मन मित्र बन जाए तो ये मनमोहन से मिलाने की भी ताकत रखता है। इस मन को समझावे, अरे मन तू क्यों आग से शीतलता मांग रहा है, सुख तो प्रिया प्रियतम के चरणों में है। मेरे मन तू नंद नंदन के चरण कमलों का ध्यान क्यों नहीं करता, तू राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान क्यों नहीं करता। मेरे मन इनके अलावा अपना कोई नहीं है, ये जितने शरीर के संबंध हैं धीरे धीरे सब छूट जाने वाले हैं, कोई कभी कोई कभी कोई कभी, क्या तू बस सबके लिए रोता ही रहेगा। अरे शरीर के संबंध तो संबंध, ये शरीर ही नहीं रहने वाला, और तो कोई हमारी क्या मानेगा, ये शरीर ही हमारी नहीं मानता, मानता तो क्या हम अपने सिर के बालों को सफेद होने देते, एक रोम नहीं मान रहा, कह देते एक रोम को कि न तो झड़ना न पकना, पर एक रोम हमारी कहना नहीं मानता, झड़ते भी हैं बाल पकते भी हैं। ये शरीर हमारा मानता तो हम इसको बूढ़ा होने देते कभी, कमजोर होने देते कभी, कुरूप होने देते क्या, नहीं होने देते। ये देह हमारी नहीं मान रही, प्रतिदिन छीण हो रही है, प्रतिदिन गल रही है, मृत्यु की ओर अग्रसर है। मन को समझाना है, अरे मन ये शरीर भी अपना नहीं है, ये एक दिन जल जाएगा, छूट जाएगा, तो लाख पकड़ना चाहेगा पकड़ नहीं पाएगा, तो अपने कौन है। मेरे मन केवल एकमात्र राधा माधव ही तेरे हैं, उनका नाम ही तेरा है, मेरे मन तो उनसे प्रेम कर। ये जो मन को समझाना है ना, बस यही अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, और एक बात और, अमानी ना मान देना, खुद तो अमानी रह के सबको मान देना है, खुद तो मान की चाह करनी नहीं और दूसरों को मान देना है। देखिए सम्माननीय किसको कहते हैं, जिसको सम्मान देना आवे वो सम्माननीय है, जिसको आदर देना आवे सो आदरणीय है, जिसे पूजा आवे सो पूजक, जिसे अर्चना आवे सो अर्चक, जिसे सेवा आवे सो सेवक, ऐसे जिसे आदर देना आवे सो आदरणीय, जिसे सम्मान देना आवे सो सम्माननीय। यदि हम सम्मान पाना चाहते हैं तो हम सबको सम्मान देना शुरू करें, हम आदर पाना चाहते हैं तो सबको आदर देना शुरू करें। हम सम्मान तो किसी को देवे नहीं, चाहे सब हमें सम्मान दें तो कैसे होगा, कैसे होगा। अमानी ना मान देना, सबको मान दें, और ये सबको मान देना सहज नहीं है, नहीं तो हम लोग मान कैसे देते हैं, जिससे हमको लगता फायदा होगा उसको मान देते हैं, लगे कोई फायदा नहीं तो उसका काहे का मान फिर। पर ये सबको मान देने वाली शर्त कब पूरी होगी, ये तब पूरी होगी जब सबके भीतर हम गोविंद को देखने लग जाएंगे, श्री कृष्ण को देखने लग जाएंगे,
तभी मान दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। थोड़े दिन होगा नाटक फिर छूट जाएगा। जब सबके भीतर प्रभु को देखने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। एक तो दोष दर्शन बंद हो जाएगा और दूसरा सबको मान देने की भावना। जब सबके भीतर मेरा ही ठाकुर बैठा है तो अब निंदा किसकी, अब गाली किसको दूं, अब तिरस्कार किसका करूं, अब घृणा किसको करूं। सबके भीतर तो राधा माधव ही बैठे हैं। और एक बात और, संसार में हमारे द्वारा किसी का भी दिल दुखा, यदि किसी का भी चित्त दुखा तो क्या है, आप सबके चित्त में बैठे तो गोविंद ही है ना। तो किसी का भी दिल हमने दुखाया, अंततः वो कष्ट पहुंच जाएगा गोविंद के पास ही। तो एक तरफ तो हम गोविंद को पाना चाहते हैं, उनको भजना चाहते हैं, और किसी का भी दिल दुखाया तो सबके चित्त में चूंकि वही बैठे हैं तो उस व्यक्ति के माध्यम से वो कष्ट गोविंद तक ही पहुंच जाएगा। और ये होगा जैसे किसी का एक गाल तो सहलामे और दूसरे गाल पे चांटा मारे, तो क्या वो रीझेगा, नहीं रीझेगा। ऐसे ही गोविंद का भजन करते किसी का भी चित्त दुखा, भले वो नास्तिक सही, किसी का दिल दुखाया तो क्या होगा, अपने ही नुकसान होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला।